सभी को मेरा नमस्कार। बहुत एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो गजिस्टर्ड ऑफिसर बनना चाहता है रेलवे में, और वो भी कम उम्र में। तो रेलवे के जो नियम थे उसके हिसाब से एक सर्टेन ग्रेड पे जब आप आते हैं रेलवे में, उस ग्रेड में 3 साल 5 साल होने के बाद, यानी 5 साल में बोल सकता हूँ कि 5 साल यानी लेवल 6 में 5 साल होता है, GP 42 में 5 साल होने के बाद ही अभी तक आप एलिजिबल होते थे। और उसमें भी आपको सिर्फ 30% जो LDC होता है यानी जो वैकेंसी होती है उसका सिर्फ 30%, यानी 10 में से 3 वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते थे। रेलवे बोर्ड ने अपने रिक्रूटमेंट रूल में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है। परिवर्तन क्या है, अभी तक जनरली ग्रुप सी में होता था, लेकिन ये पहली बार मेरी जानकारी में है बहुत बड़ा चेंज है गजिस्टर्ड के मामले में, कि इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल ही चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से कई रेलवे कर्मचारी जो हैं, जो गजिस्टर्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वैकेंसी काफी कम निकल रही थी और उनको एलिजिबल नहीं कर रहे थे। 70% सिलेक्शन जो रेलवे में जो गजिस्टर्ड ऑफिसर बनता है, कोई प्रमोटिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो आप डायरेक्ट यूपीएससी से आप बाहर से आते हैं, और रेलवे कर्मचारी जो होते हैं प्रमोट होके जो गजिस्टर्ड ऑफिसर बनते हैं, उनके लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक रेगुलर एग्जाम होता है 70% जिसको बोलते हैं, और एक LDC होता है 30%, यानी जो वैकेंसी होती है टोटल 2 साल के अंदर, उसके अंदर जो 70% जो मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो 70% होता है, उसके लिए नॉर्मली आदमी एलिजिबल नहीं होता है, सिर्फ 30% के लिए ही एलिजिबल होता है, जो सिर्फ 30% वैकेंसीज होती थी। अब रेलवे बोर्ड ने ये लेटर निकाला है RBA नंबर 93/24, और इसके द्वारा रेलवे बोर्ड ने अब जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं लेवल 6 में, उनको एलिजिबल कर दिया है गजिस्टर्ड ऑफिसर बनने के लिए। और उसमें भी बहुत अच्छी बात यह है कि पहले एलिजिबल होने के लिए उनको लेवल 6 में 5 साल करने पड़ते थे, और अब सिर्फ 3 साल में ही वो एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत अच्छा ये रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है, मेरे ख्याल से ब्रेकिंग न्यूज है, तो ये आज ही निकला है, तो मैंने कहा इस पे वीडियो जरूर बनाना चाहिए, लोगों को खुशखबरी देनी चाहिए। तो आज मैं इसी पे हम बात कर रहे हैं, तो हम सीधे अब लेटर पे चलते हैं, हम बात करते हैं। डेट आप देख सकते हैं, RBI नंबर है 93/24, डेट है 8 अक्टूबर, आज क्या है लेटर है ये। सब्जेक्ट में प्रमोशन टू ग्रुप सी टू ग्रुप बी पोस्ट सेंट्रल सीबीटी। इसमें कहा गया है इन टर्म्स ऑफ Para 203.4 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल Part 1, द जोन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द ग्रुप बी पोस्ट इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद स्लाइडिंग स्केल इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। In this regard, it has been decided by board that henceforth the in respect of selection 70% to group B post in all department, all employee who are eligible and who are volunteer for selection should be considered without any limitation of number as is being done in case of selection to the group B post of assistant personnel officer. Assistant personnel officer जैसे मैं हूँ, सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट में जो गजिस्टर्ड ऑफिसर बनते थे उनके लिए एक नियम था कि उसमें सभी को अलाउ करते थे, सिर्फ ये पर्सनल में, तो उसी की वजह से आज मैं आज ऑफिसर बन गया, मुझे 12-15 साल हो गए हैं ऑफिसर बने। अब ये सुविधा सभी डिपार्टमेंट के रेलवे कर्मचारियों को मिलेगी। पहले क्या रूल था, मैं आपको जरा पहले का रूल बता देता हूँ आपको। इन्होंने IRM 203 की बात की है, ये हमारा IRM Part 1 Chapter 2 है। इसमें 204 जो जोन ऑफ कंसेशन होता था पहले, ये अदर देन पर्सनल डिपार्टमेंट में जितने भी अलग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, SNT, सभी डिपार्टमेंट में अगर एक वैकेंसी है तो सिर्फ 5 एम्प्लॉय को बुलाया जाता था, और 2 वैकेंसी है तो 8 एम्प्लॉय को पूरे जोन के अंदर, बात कर रहा हूँ पूरे जोन में लाखों होते हैं, लोग होते हैं, और उसमें लाखों का लाख का कैडर होता है डिपार्टमेंट में, अगर लगे तो काफी हजारों में हो जाते हैं इसमें, और 3 वैकेंसी है तो 10 एम्प्लॉय को बुलाते थे, और 4 या उससे अधिक है तो 3 गुना बुलाते थे। मान फॉर एग्जाम्पल अगर 10 वैकेंसी है तो 30 लोगों को बुलाते थे, सिर्फ 30 को ही चांस मिलता था, और अब अगर 10 वैकेंसी है तो अगर 1000 है, 1200, 1500 जितने भी लोग एग्जाम में एलिजिबल हैं सब एग्जाम दे सकते हैं, यानी कहाँ 10 कहाँ 1000 आदमी, 1500, 2000, 5000 जितना भी कैडर है 42 एंड अबव का। तो ये जो लिमिटेशन था इसको खत्म करके इन्होंने कहा था APO की तरह कर दिया है, यानी कोई लिमिटेशन भी नहीं है, जितने भी एलिजिबल लोग हैं इसमें लिखा हुआ है ऑल एम्प्लॉयज हु आर एलिजिबल। एलिजिबल कौन होगा, मैं बात जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, 42 ग्रेड में या लेवल 6 में 3 साल वाले एलिजिबल होते हैं, वो जैसे ही आपका 42 में या लेवल 6 में 3 साल हो चुके हैं आपके, किसी भी आप चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो, चाहे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में, SNT में है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उस डिपार्टमेंट ऑब्वियसली उसी डिपार्टमेंट के जो गजिस्टर्ड ऑफिसर बन पाएंगे उसमें एग्जाम दे सकते हैं आप।
ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की। अभी तक ये सुविधा सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट के जो लोग थे, यानी क्लरिकल स्टाफ और कुछ सीएलए भी थे और सर्टेन स्टाफ को ही एलिजिबल था, बाकी लोगों को नहीं था। तो पर्सनल वालों के लिए इजी था, तो अब ये सभी के लिए ओपन कर दिया। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, सभी को बधाई हो मेरी तरफ से। अब आपके लिए वो चांस अच्छा है। दूसरी एक और जो अच्छी बात की रेलवे बोर्ड ने, वो ये क्या कहा है सेकंड पैरा में, इट इज फर्दर बीन डिसाइडेड दैट इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ पोस्ट लेटर नंबर जो 2019 का था, 19 मार्च 2019 का, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग रिटर्न एग्जामिनेशन हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन 73 वेयर द फाइनल पैनल्स आर मेड ऑन सीनियरिटी बेसिस। हाउएवर नेगेटिव मार्किंग एट द रेट 1/3 ऑफ द मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन एलईसी वेयर पैनल्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट शैल कंटिन्यू। अभी तक ग्रुप सी के अंदर ये नियम था कि जो भी एज पर सीनियरिटी से जो सिलेक्शन होते थे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, और जहां मेरिट से सिलेक्शन होते थे विद इन ग्रुप सी या ग्रुप डी टू सी हम बात करें तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जहां मेरिट से होता था, लेकिन गजिस्ट्रेट के अंदर जो भी सिलेक्शन होते थे उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन था। लेकिन यहाँ पे एक और रियायत देते हुए रेलवे बोर्ड ने बहुत अच्छा लेटर निकाला है, जिसमें 70% का जो सिलेक्शन होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी समझे हमला हो गया। अब तो ये अब सीधा 70% की जो सीटें हैं, आपको कह दिया कि आप हमला करो, बस ले जाओ जितने क्वेश्चन है अटेम्प्ट करो, तुक्के लगाओ। अगर आप मान लीजिए तुक्के का मेरा मतलब ये है कि आपको ओबीसी तैयारी करनी है, आप जनरली आदमी तैयारी करता है 90-95% कर लेता है, 2-4 क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसके कंफ्यूजन में थोड़ा रिस्क रहता था। अब आपके पास पूरा ऑप्शन है कि 100% आप ऑप्शन ऑप्टेन कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, दोनों बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, सभी को एलिजिबल कर दिया है। तो एक तो मैं और बता दूं आपको कि जितने भी लोग एग्जाम देंगे सभी का एस्टेब्लिशमेंट मैटर के लिए तो ऑब्वियसली मेरा चैनल आप जरूर देखिए, आपको फायदा मिलेगा। जितने भी अदर डिपार्टमेंट के लोगों के लिए मेरे ख्याल से मेरे चैनल में सफिशियंट मटेरियल दिया हुआ है, और पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए भी सबसे काफी सारे मैंने सब्जेक्ट डाले हुए हैं कवर किए हुए, आप दे सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो ये दो बातों के अलावा मैं थोड़ा सा मैं गजिस्ट्रेट का सिलेक्शन के ऊपर मैं बात करूंगा कि इस लेटर का ओवरऑल इफेक्ट क्या है और क्या सिलेक्शन के बारे में बात की। जो कई लोग जो नए अभी आएंगे 42 में आए या नहीं आए, कोई लेवल 4, 5 में, 4 में, 3 में, और वो गजेट ऑफिसर बनना चाहता है तो उसको क्या करना है बता दूं मैं आपको। तो इसमें इफेक्ट ऑफ लेटर में कहा है कि जो दो लेटर के इफेक्ट में बता चुका हूँ, जोन ऑफ कंसिडरेशन जो था 3 गुना से हटा के अनलिमिटेड कर दिया है, कोई भी एम्प्लॉय जो है वो एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा नेगेटिव मार्किंग हटा दिया, ये दो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तीसरा मैं बता दूं पैनल कैसे फॉर्म होता है। जैसे आप मान लीजिए आप एलिजिबल हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपका नाम पैनल पे आने की क्या कंडीशन है कईयों को मालूम नहीं है। ऑलरेडी मैं अपने एक वीडियो पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा टाइम लेके। इसमें कहा कि पैनल टू बी फॉर्म एज पर सीनियरिटी, ये 70% का जो पैनल बनेगा आपका सीनियरिटी से बनेगा, यानी आपके मार्क्स ज्यादा है लेकिन आपका बंदा सीनियर बंदे के मार्क्स कम है लेकिन वो क्वालिफाई करता है तो उसके चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम पैनल में है, पैनल में आए ऑफिसर बने, तो इसमें एक सुविधा अच्छी दे रखी है वो मैं बता देता हूँ आपको। पैनल टू बी फॉर्म एज पर सीनियरिटी बट ऑल्सो प्रोविजन ऑफ आउटस्टैंडिंग 80% अबव मीन्स पैनल इज फॉर्म एज अ, पैनल जो बनता है ये सीख लीजिए कैसे बनता है कि जितने भी लोग बैठे हैं, मान लीजिए आपके 100 लोग बैठे हैं एग्जाम्पल के लिए और वैकेंसी सिर्फ 10 है, और 100 में से आपके 50 लोग जो है पास कर लिए हैं, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उसमें जो पैनल बनेगा उसके अंदर कैंडिडेट गोट 80% अबव एज पर सीनेट। सबसे पहले जो पैनल में जो उसमें ए एंड बी करके लिस्टिंग होती है, सबसे ऊपर का एक ब्रैकेट होता है, नीचे का ब्रैकेट होता है, उसमें सबसे ऊपर आउटस्टैंडिंग जो बंदे आए 80% उनको ऊपर रखा जाता है, यानी 80% से अबव जितने भी, मान लो 50 में से 25 लोग जो हैं वो 80% आए तो उनको 25 जो भी है उनकी सीनियरिटी नहीं देखी जाएगी, जो भी 25 है उनको ऊपर ले जाए, ऊपर रखा, ऊपर जब रखेंगे उनको तो ऊपर सीनियरिटी से रखेंगे। यानी किसी के मान लीजिए सिर्फ अगर मान लीजिए सीनियर मोस्ट बंदा है उसके सिर्फ 80% मार्क्स हैं, और जो जूनियर मोस्ट बंदा है उसके 99% मार्क्स हैं, तो भी 99 वाला नीचे रहेगा और 80 वाला ऊपर रहेगा। यानी आपको जो ए ब्लॉक जो आएगा उसके अंदर आपको सीनियर डिसाइन करना है लेकिन 80% वाला, और जिन लोगों के 80% नहीं है अप टू 79 तक है लेकिन 60% क्वालिफाई मार्क्स है तो 60% वाले को से लेके 79 तक उसके नीचे रखा जाएगा। मान लीजिए कोई 80% आया ही नहीं है किसी के, मान लीजिए 80% आया ही नहीं है तो फिर सीनियरिटी से सिलेक्शन होगा, पैनल सीनियरिटी से बनेगा। तो इसमें सीनियरिटी से ही पैनल बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कैसे अरेंज करते हैं पैनल में, तो पैनल ए और बी करके रहेगा, ए में 80% अबव वालों को रखा जाएगा, सीनियरिटी से रखा जाएगा। तो ये सीनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 80% लाने में मैं एक बात बता दूं आपको कि
ये 80% सिर्फ रिटर्न में 80% मार्क्स नहीं है, लिखित परीक्षा में 80% मार्क्स को दिमाग से निकाल दीजिए, एग्रीगेट 80% होना चाहिए, यानी आपके जो 100 नंबर के जो मार्क्स होंगे वो आपके रिटर्न के होंगे, 25 नंबर जो होंगे आपके एपीआर के होंगे, पिछले 5 साल के एपीआर, और 25% आपके जो मार्क्स होंगे 25 नंबर वो होंगे आपके जो वाइवा वाइस होगा उसके होंगे, तीनों के मिला के आपके 80% प्लस होते हैं तभी आपको आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। तो इसके लिए रिटर्न में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, एपीआर में भी आपके कोशिश कीजिए कि अच्छे एपीआर भरे, अगर आपके एपीआर कम है तो रिपोर्टेशन दे के एपीआर अच्छे होने चाहिए, अगर आउटस्टैंडिंग एपीआर है तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे आउटस्टैंडिंग में आने के लिए। तो ये पैनल कैसे बनता है वो मैंने बता दिया आपको। एलिजिबिलिटी एक लिस्ट कैसे एलिजिबल होता है बंदा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें रैंकर के अंदर जो है रेगुलर में 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन लेवल 6 GP 42, वेयर इज एलडी इन एलडीसी 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन लेवल 6 42, यानी आपकी अगर 3 साल की सर्विस हो गई है लेवल 6 के अंदर या 42 GP के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। पैनल में आने के लिए आपको 80% मिनिमम लाना पड़ेगा, या किसी वजह से उसका पेपर बहुत टफ हो और 10 लोग पास हुए हैं, 10 वैकेंसी है तो आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा लोग पास हुए हैं वैकेंसी कम है तो फिर सीनियरिटी से ही सिलेक्शन होगा। तो ये एलिजिबिलिटी बता दी, ये एलिजिबिलिटी जो है एग्जाम में बैठने के लिए है। क्वालिफिकेशन जो होता है वैकेंसी का जो होता है जो एग्जाम होता है, तो मान लीजिए किसी भी दो साल का जो हमारा होता है एंटीसीपी वैकेंसी हम पकड़ते हैं, 2 साल प्लस 6 महीने और एक्स्ट्रा लेते हैं हम, टोटल 30 महीने का होता है, उसमें जो भी वैकेंसीज होती है आपकी उस वैकेंसीज को डिवाइड करते हैं 70% एंड 30%। तो रैंकर जो होगा रेगुलर एग्जाम होगा वो 70% वैकेंसी, मान लीजिए आपकी 10 वैकेंसी है तो 7 वैकेंसी जो होगी रेगुलर होगी, और उसमें जो पैनल बनेगा सीनियरिटी से बनेगा। बच्ची की जो 3 वैकेंसी होगी 30% वो एलडीसी से होगा, और एलडीसी में भी फिर जितने भी लोग हुए जिन्होंने 42 में 5 साल कर चुके होंगे वो एग्जाम देंगे और वो मेरिट से बनेगा। तो इसमें प्लस रिजर्वेशन के जो रूल है, रिजर्वेशन के रूल वो भी लागू होंगे, रिजर्वेशन अपनी जगह है। तो ये बता दूं एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा इसके अंदर, वो आप बताइए क्या नेगेटिव पॉइंट, वैसे सब अच्छा अच्छा ही दिख रहा है तो क्या नेगेटिव पॉइंट है सोचिए। वैसे नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा हम नेगेटिव आ सकते हैं कि अभी तक जो वैकेंसीज थी वो चूंकि 70% जो था सीनियरिटी से होता था और 1:3 1:5 होता था, तो जो ज्यादा एज के लोग, जो मेरा एग्जाम्पल है मुझे जानकारी है 50 55 58 साल के लोग, कई तो मैंने देखा 1 महीने के लिए ही रजिस्टर ऑफिसर बनते हैं, एक बंदे को मैं जानता हूँ जो 1 दिन के लिए रजिस्टर ऑफिसर बना, तो यानी सीनियर लोग बनते थे वो फिर 1-2 साल में रिटायर हो जाते थे, फिर वैकेंसी फिर आ जाती थी, तो एक साइकिल अच्छा चल रहा था, वैकेंसी काफी निकल रही थी जिसमें 70% में वैकेंसी के साथ साथ 30% में भी आता है। तो अभी ये हो सकता है कि एग्जाम में आउटस्टैंडिंग भी है आपका रैंकर में, तो यंग लोग ज्यादा पास हो जाए, तो अगर यंग लोग ज्यादा पास हो जाएंगे तो फिर बाद में वैकेंसीज नहीं आने की एक संभावना रहेगी। मैंने लिखा हुआ पॉसिबिलिटी ऑफ लेस वैकेंसीज इन फ्यूचर ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ यंग कैंडिडेट्स। तो इसके लिए अब क्या करना है कि अभी जो 2025 आ रहा है ये पहली बार हो रहा है, 2025 और 2027 जो एग्जाम होगा मेरे ख्याल से पूरा जोर लगा दीजिए, एक्सक्यूज मत रखिए, वीडियो जितने भी आजकल काफी सारा मटेरियल आपके नेट पे अवेलेबल है देखिए, और ये नहीं कि चलो आज कल बन जाएगी, मेरा ही मानना है कि 25 में तो पहली बार है तो काफी सारी वैकेंसी होगी, शायद 27 में भी काफी लोग रिटायरमेंट है, बाद बाद में हो सकता है कि जो रैंकर में और एलडीसी में सब यंग लोग आ जाए तो फिर वैकेंसी कैसे होगी। जैसे मैं खुद भी जब बना था तो मेरी 23 साल की सर्विस लगभग बाकी थी, तो इसलिए 23 साल तक वैकेंसी मेरी नहीं आई, तो यंग लोग आप बनेंगे तो आगे वैकेंसी आने की संभावना कम हो जाएगी, वैकेंसी तो निकलेगी लेकिन क्योंकि आगे लोग फिर हम लोग ग्रुप ए भी जाते हैं तो बनेगी वैकेंसी लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी जो 2025 और 2027, सबसे पहले 2025 आ रहा है उसके लिए, और मैं रेलवे बोर्ड को धन्यवाद देना चाहूंगा कि रेलवे बोर्ड ने ये लेटर अभी निकाला है अक्टूबर में, और एग्जाम उम्मीद करते हैं जनवरी फरवरी में, 4 महीने, तो 4 महीने काफी सफिशियंट है। जो लोग अभी एलिजिबल हो रहे हैं, कईयों को मालूम नहीं होगा, शायद मेरे वीडियो देखने के बाद ये लेटर जब सर्कुलेट होगा तो उनके पास सफिशियंट टाइम है, 4 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, अगर दिन रात एक करते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग में ला सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लेटर टाइमली निकाला रेलवे बोर्ड ने, उसके लिए मैं रेलवे बोर्ड को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट जरूर कीजिए, इसी तरह नई नई बातें जानकारी सीखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।